खाल ब्लॉक के अंदर आने वाले गांव धेड़ गांव में तो यहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से मैच चल रहे हैं यहां पे, लेकिन आज तीसरा दिन है, आज छठवां दिन है। थोड़े लेट आए हैं लेकिन आए हैं। आज जबरदस्त मैच होने वाला है जिसको हम कवर करेंगे। तो मैच है धेड़ गांव और मेलधार के बीच में। तो सारे क्रिकेट प्रेमियों जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम ज्यादा से ज्यादा क्लिप इस वीडियो में ऐड करेंगे और यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं तो जरूर एक बार हमारे चैनल को सर्च करना और वीडियोस पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप YouTube के सर्च इंजन में पहुंचते हैं एक बार तो जरूर पहुंचिए। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, प्लीज YouTube खोलिए। जिन जिन लोगों के फोन में नेटवर्क आ रहे हैं तो जरूर एक बार ये सर्च इंजन में जाना। बहुत तेज हो रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं सब सर्च इंजन में पहुंच चुके होंगे YouTube के। तो प्लीज टाइप कीजिए ऊपर जाके MAHEN स्पेस YASH स्पेस VLOGS, तो ये बनता है महेन यश व्लॉग्स। तो महेन मैं हो गया, वीडियो जो बना रहे हैं हमारे यश भाई हो गए, और व्लॉग्स तो व्लॉग्स होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमारा जो मेन चैनल का मोटो है वो हम ये दिखाते हैं कि भाई गांव-गांव जाके हम वीडियोस बनाते हैं। तो मेन जो टारगेट है वो यहाँ से जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है, हम उस बारे में बातचीत करते हैं लोगों से, उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है उस बारे में बात करते हैं, गाँव की हालातें जान के। तो आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस देखना हमारी। तो बाकी मिलते हैं आगे, क्लिप देखते रहना, मिलते हैं आगे, धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना वीडियो। कल आप फोटो चलो रेडी तो मैच जो है धेड़ गांव और मेलधार के बीच में, तो उस मैच का स्टार्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यहाँ से। अभी टॉस होगा थोड़े दिन बाद, तो आप रेडी चलो मारे हैं। एक बोल बना चलो तो टॉस शुरू होने जा रहा है यहाँ पे। तो दोनों कैप्टन सामने हैं और इस मैच के अंपायर हमारे साथ भी, तो थोड़ा खेल भावना हैंडशेक प्लीज। हाँ जी, तो ठीक है, अब सिक्का उछाला जाता है, हेड टेल है, चलिए। तो हेड आ चुका है यहाँ पे हेड्स, तो आप जो है टॉस जीत चुके हैं, तो आप क्या प्रीफर करेंगे खेलना, बैटिंग बॉलिंग? तो बॉलिंग ले लिया है सूरज बिष्ट भैया ने, जो कि कैप्टन है धेड़ गांव की तरफ से। तो ठीक है, मैच शुरू करते हैं, एक आध बॉल मैं भी खेल लेता हूं प्लीज। हाँ जी, तो दर्शक दीर्घाई में भी काफी लोग बैठे हुए, तो महिला जनसंख्या काफी है यहाँ पे, तो देख के अच्छा लगा। देखो पहाड़ों में जितने ज्यादा लोग होते हैं तो रौनक देखो उस हिसाब से, काफी दिन बाद इतने लोग देखने को मिले हैं पहाड़ों में। तो मैच के जरिए हम भी आए हैं तो अच्छा लग रहा है, देख के एक बार घुमा देना पूरे लोगों को, दिखा के प्रॉपर चेहरे दिखा देना लोगों के। श्री एकांत के श्री रमेश तुम्हारे दिल की बुझ रही है।
राइडर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और आमंत्रण दिया। ये तो तुम्हें पछड़ भी नहीं लेते हो क्या? वो सब दड़गा का ही छोड़ सब दड़गा का छोड़ इस मुकाबले के लिए जो अवतार होंगे श्री विकास देवरानी और श्री अर्जुन सिंह रावत जी जेटगांव से, तो दोनों अवतारों की देखरेख में इस पूरे मुकाबले को संपन्न किया जाएगा। पर ये छठवां प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आरंभ होने जा रहा है दुर्गा क्लब के इस खूबसूरत स्टेडियम में, जहां हरी भरी प्राकृतिक जीत रहा हारो चैनल नाम क्या था? पुको पुको बहुत पुको यहाँ पे सारे खिलाड़ी बात भूल गए आज हमारे लड़कों ने बहुत बढ़िया खेल फतेहपुर पहल गेंदबाजी टॉस जीता गेंदबाजी कार जैक महामुनू ते टारगेट दिया 103 रन के और जैसे कि वो हम चेज करन मा लास्ट ओवर तक मैच गया जय में कि हम विन हो लैंड जोन विन हो गया थोड़ी में। हाँ बुढ़ी केवल निबाण वीडियो थी क्या रात के तरह अच्छा हाँ तो हाथ 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 वह तो एक ही बार हम कैसा चैनल नाम बताओ चलो इधर कर लो बात मैं नेश व्लॉग नहीं स्पेलिंग स्पेलिंग M A G N स्पेस Y S H स्पेस V L O G S शाबाश बेटा बहुत बढ़िया पहाड़ा प्लान है बार हम कन लग में लोग एक बड़े जामे दुकान लग में बहुत बुरो लग रो हम तो ही तुम का करनो हम तो ये किरनो अरे कहना क्या चाहते हो डेढ़गा अच्छा अच्छा तो मैच हम कन लग में मैच हम बहुत ऐसा लग रो अच्छा कर दो क्या छो पढ़ाई कर दो पढ़ाई कर दो हम कद क्लास में हम बार हम छो ओहो चलो बहुत बढ़िया बड़ी तुम लाज बनी पड़ो कुछ है अरे इधर कैमरा ना पूरा डाल देना हां जी तो लेडीज पार्टी सामने और भी अरे हां जी तुम्हारा नाम बोलन कुड़ा लप सुपनी रण बोल बनी बोल चलो तुम ही बताओ तुम क्या कर दो स्क्रिप्ट के देना मैं बोलो ना मैच गणा दो हमें सर बस मैच हमेशा तक दो क्या हां जब तब तब अच्छा तो केवल एक मैच अब अभी अमर गाँव में चल लू नाम बताओ तुझे टीम को ये नहीं पता क्या था ये नहीं पता नाइट राइडर ये बोलो मेलदार और डेढ़ गाँव के बीच में हाँ। तो क्या टीम तो कर्मो सपोर्ट है अरे तो तुम्हारे गांव यूं तो थोड़ा भाई लोग आर तो पता चल गया क्या गांव की बच्ची बताओ बताओ क्या गांव का मीन डेढ़गांव तो सपोर्ट करमो बोले बच्ची वाल तुम यार उम्र कदा वाल तुम तो कदा लगवाई रेखा रेखा बोलो बोलो अच्छा चलो तू ही बता दे कदा उम्र वाल मेरा तुम्हारी 19 साल आधार कार्ड दिखाओ उम्र अरे बताओ बताओ जल्दी 27 अब तुम उम्र कदा जी 22 ना 21 तमी छो 31 साल लगे और तू कदा साल तुम बोलो पहले नहीं चलो बच्ची हां दीदी क्या गांव बड़े हैं डेढ़ गांव बड़े अच्छा तो डेढ़ गांव तो सपोर्ट करमो क्या करे कमर पीड़ा दांत पीड़ा हां अच्छा तुमल के बल कमर पीड़ा केल वाला यू तुमल क्या मुख पर जड्डू लगमा क्या मुंड पर तो लगा लो वी जावे दीदी अगदन ब्लॉग अच्छा तो की बात बढ़िया तुझे वीडियो मजा ला YouTube में मजा ला मेरा क्लोज ना ले और पिच होने के साथ ही गेंद आउट कटर हो रही थी इन चंगे और कैच धर्मेंद्र इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी पिच होने के साथ ही एक रन लिया बल्लेबाजों ने एक रन के साथ ही टीम का स्कोर हो गया है पांच रन धर्म ने ओवर में अगली बार और इस बार आउट कटर थी पिच होने के साथ ही बाहर की तरफ जा रही थी वाइड करार दिया उसे अतिरिक्त रन के साथ ही टीम का बर्ताव भाई स्कोर हो गया है छह रन बिना किसी नुकसान के मेलदार धर्म सिंह की गेंद जब गेंदबाज ओवर
स्किप करता है या कोई ऐसी गेंद फेंकता है कि जब सात रन स्कोर क्रिएट कर कितना लाभ लेगी टीम मेलधारी गेंद और बहुत बढ़िया प्लेयर टीम दे मेलधार अच्छा प्लेयर भी छो बिल्कुल चलो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं थैंक यू भाई चैनल बताऊंगा अभी है ना हाँ जी मेलधार मेलधार भाई साहब मेलधार अच्छा सब बैटिंग साइड से ना इले अच्छा चलो कह दो एक बार हल्ला अरे सुखदेव भाई क्या हाल चाल बढ़िया मेलधार सपोर्टर बोल चलो ऑल द बेस्ट बात सही एक विकेट यहाँ पे गिर चुका है कौन सी टीम का अच्छा तो मेलदार एक विकेट के नुकसान पे चलो अभी कमेंट्री में सुनाई देगा क्या बात M-A-H-E-N space Y-S-S-A-S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 
भाजी क्या टीम का सपोर्ट कर हमारी धेड़गांव जो धेड़गांव बॉलिंग डाल रही है। अच्छा अच्छा तो आप धेड़गांव का ही छो? अच्छा मैं पाली का हूँ। अच्छा पाली के, ठीक है भाजी आप क्या टीम का सपोर्ट कर धेड़गांव। अच्छा धेड़गांव, ये सब धेड़गांव वाले भाजी आप? हम तो मनोरंजन करना चाहिए। नहीं तो फिर भी कई टीम तो सपोर्ट कर रहा हूँ टीम। अच्छा तुम भाई साहब? धेड़गांव। धेड़गांव अच्छा लोकल बंदा जगह। अच्छा अच्छा चलो धन्यवाद। हाँ भाई लोगो क्या टीम तो सपोर्ट कर रहा हूँ? धेड़गांव। धेड़गांव तुम भाई साहब? धेड़गांव से। अच्छा जी हाँ बुलाओ क्या टीम तो सपोर्ट चाहो? धेड़गांव। धेड़गांव हाँ भाजी क्या टीम पे? धेड़गांव। धेड़गांव तुम भाई साहब? धेड़गांव। धेड़गांव धेड़गांव ओके। और यहाँ पे छोटे से दर्शक हमारे बीच, हाँ बोला कह गांव तो सपोर्ट है? धेड़गांव। जोर से धेड़गांव। बहुत बढ़िया चलो ऑल द बेस्ट धेड़गांव का। अब इस ओवर में अब तक काफी गेंद की जा चुकी है, देखना है कि संभावित गेंद हो सकती है। पर दौड़ना शुरू किया तेने यहाँ से ओवर रिस्टम गौरव तिरछा बॉलिंग रहना मिडिल स्टम पर थी। ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के समाप्त पर टीम का स्कोर है 31 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर टीम मेलधार। क्या प्रेजेंट घर जामे थे घर ही जामे दगड़े यो दगड़ भाई को। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शुरू किया गौरव अपने पूरा गेंद पे क्लॉक करने से ज्यादा था किच होने के साथ ही गेंद पर क्या समय चली गई। और देखिए इतना जोर कीजिए आप कैसे ही लोग धेड़गांव में बड़ी प्रसन्नता होती है कभी कभार।
चौथा टिकट खत्म होता हुआ टीम का और इस प्रकार से चौथी सफलता अर्जित की टीम पहुंचे दुर्गा क्लब हिंडौन चौल गाना लेकिन उत्साह में जा मेलधार को कहां तक ये दोनों बल्लेबाज ले जा पाएंगे इसी बीच अगली गेंद सोलर गेंद पिछोड़ के साथ बाहर की तरफ जा रही थी बाएं हाथ से उपदेशन में गेंद और बहुत बढ़िया गेंदबाजी पिछोड़ के साथ गेंद बाहर की तरफ मूवमेंट था गेंद में हो रही थी अगली गेंद मैच का आनंद लेते रहते हैं दूर से और बताते रहते हैं लोग मौजूद कप्तान तीन रन दिए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में अगली गेंद को सम्मान दिया बैटर पैड को एक लाइन में किया पर उधर की समाप्ति हुई इस ओवर में अगली बार शिवम की एक बहुत बढ़िया गेंद थी एक मरतबा लगा है कि बल्ले को छूती हुई जा रहे हो लेकिन विकेट की तरफ की प्रतिक्रिया से ऐसा लगने रहा है गेंद टिप इसी बीच शिवम इस ओवर में अगली बार और सामना पर झटक कर दिया खत्म हो सकता है इसके साथ एक और झटका लगता हुआ जितनी तारीफ की जाए इस फील्डिंग की उतनी कम दौड़ते हुए हवा में गेंद को गिरफ्त में लिया और उसके बाद हवा में करतबबाजी दिखाते हुए सीधा गेंद को थ्रो किया विकेट कीपर के हाथ में और नरेंद्र जो कि किसी भी कैच को और अब दूसरे शिवम स्ट्राइकर भी और नॉन स्ट्राइकर भी शिवम के लिए तो तीन शिवम इस समय मैदान पर गेंदबाज भी शिवम और बल्लेबाज भी शिवम और नॉन स्ट्राइकर भी शिवम इस तरह से ओवर खत्म हुआ ओवर की सब मेलदार कितने रन जुटा पाते हैं शिवम के लिए ये गेंद और एक रन मिल जाएगा खतरा हो सकता है इसके साथ ही आउट कंगाली में होता भी गीला हो जाता है इस तरीके से जब ये जरूरत थी कि यहां पर ये टिक सकते थे लेकिन रन आउट हो गए बहुत बढ़िया गेंद और पिस्टम पर रहती हुई उसको निकालना चाहते थे कवर पॉइंट की तरफ सफलता मिली नहीं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है शुभम और बहुत बढ़िया गेंद थी मिडिल स्टंप पे उसको निकाल दिया गेंद जा रही है बकेट इस बल्ले की तरफ पर एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने और एक रन के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 45 रन तारीफ करनी होगी उनकी देखिए गेंद के साथ ही वो हिलते दुलते रहते हैं और जोरदार प्रहार और कैच ड्रॉप इसके साथ ही रन लेना चाहते अरे इसके साथ ही आउट हाँ जी तो यहाँ पे मेलधार की टीम ने 46 रन बनाए हैं 47 रन जीतने के लिए धेड़गांव गांव को चाहिए
तो ठीक है, इस बीच में थोड़ा ब्रेक बीच में है, आपस में डिस्कशन चल रही है दोनों टीम्स की, तो इस बीच में मैं अपने सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दूंगा कि जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कई लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यूट्यूब पे सारा कुछ पता चलता है कि आपको कौन से देश से लोग देख रहे हैं, कितने आपके पास मेल जो है उन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है, कितने परसेंट फीमेल्स ने करा हुआ है। तो मेरे पास अभी 70% जो है मेल ऑडियंस है और 30% फीमेल है। तो जितने भी लेडीज देख रहे हैं मेरे सारे वीडियोस को, तो आप लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और रही बात ज्योग्राफी की, तो पाकिस्तान में भी हमारी वीडियोस देखी जा रही है, बांग्लादेश में भी, कुवैत में भी और बहरेन में भी। तो जितने भी बाहर लोग देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट दिखाइए। इंडिया में ही नहीं, हर जगह हमारी वीडियोस पहुंच रही है, तो उसके लिए यूट्यूब भी रिकमेंडेशन कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यूट्यूब। और बाकी ठीक है, मैच स्टार्ट हो रहा है, धैड़गा बैटिंग में शिरकत कर चुकी है। तो मैं तो भैया कृपा करके इस साइड थोड़े शॉट कम ही मारें, तो इस साइड थोड़ा चोट का डर लग रहा है, इस साइड मत मारें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेग ज्यादा स्ट्रांग होती है बैट्समैन की, मोस्टली लोगों की, तो आप लेग में उधर उड़ा लो, देख लो गांव के ऊपर लैंडरों में मारो शॉट, बढ़िया देखने में मजा आएगा दर्शकों को भी। तो स्ट्रेट साइड अवॉइड ही करें, कोशिश कीजिए। तो ठीक है, मैच शुरू करते हैं। चलो भैया कहां देरी आ रही है, डिस्कशन इतनी होती है, फिर और क्या करिए, मैच शुरू। हमारे पास बल्लेबाज हैं धर्म सिंह, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हमारे पास हैं गौरव सिंह। ठीक है, ऑल द बेस्ट बैट्समैन को, अच्छे से खेलिए, कोशिश कीजिए मैच जीतने की। और बॉलिंग पे हमारे बीच हैं भैया, क्या नाम है, डबल सिंह भैया। तो ठीक है भैया, तैयार रहिए बॉलिंग, चलिए शुरू कीजिए। पहली गेंद यहाँ पे भैया, अच्छा स्पिन से शुरुआत, पहली गेंद वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा, ऑफ साइड की तरफ पिच होती हुई और उछाल भी ज्यादा। अच्छा तो एक अच्छा दूसरी गेंद यहाँ पे प्रगति पे, और उसको हल्के से उठाना चाह रहे थे लेग साइड में, लेकिन बॉल इनसाइड एज पे लगती हुई, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया लेग साइड में, और ये गेंद 6 रन। तो काफी अच्छा शॉट वहां पे धर्म भैया का, ठीक है, तो स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद, और उसको इस समय उठाया है मिड ऑन की तरफ, बॉल उछाल मारती हुई, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, एक और मिस्टेक वहां पे, तो 2 रन पूरे किए यहाँ पे, बॉल वापस बॉलर के पास, 11 रन इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ धैड़गांव का। अगली गेंद, और स्ट्रेट ड्राइव उठा दिया, लॉफ्ट शॉट है, और ये अंपायर के इशारे का इंतजार करते हैं, 4 रन यहाँ पे मिलते हुए धैड़गांव को, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों एक ही गांव के बॉलर भी बैट्समैन, अच्छा ठीक है, तो बॉलर जो है हमारे बीच और बैट्समैन भी है, दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, तो ठीक है थोड़ा आराम से खेलिए, एक दूसरे की पिटाई कम कीजिए, खेल भावना से खेलिए आराम से, कोई बात नहीं। अगली गेंद यहाँ पे शायद अंतिम गेंद है इस ओवर की, और इस गेंद को उठाया एक बार फिर से, काफी ऊंची शॉट, देखते हैं दूरी कितनी है, उठा दिया और बड़े अच्छे से यहाँ पे कैच किया, तो इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ धैड़गांव का, 14 तो 14 रन एक विकेट के नुकसान पे पहला ओवर समाप्त। धर्म सिंह यहाँ पे आउट होके वापस जाते हुए, काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे, काफी लॉफ्टेड शॉट खेले, काफी अग्रेसिव खेल रहे हैं, आशीष ने बहुत अच्छा कैच किया, यहाँ पे काफी अच्छा कैच किया, ठीक है दूसरे, अच्छा लास्ट ओवर, अंतिम गेंद आनी बाकी है इस ओवर की, और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन साइड इज लगता हुआ 1 रन के लिए, ठीक है तो पहला ओवर समाप्त यहाँ पे, 16 रन एक विकेट के नुकसान पे धैड़गांव। प्रताप सिंह यहाँ पे नए बॉलर आते हुए दूसरा ओवर लेके पारी का, तो राउंड द विकेट जाते हुए आगे की तरफ, पहली गेंद और ठीक है गेंद नीची रहती हुई और पिच भी अच्छे से हुई है ऑफ साइड के अंदर ही, तो कोई वाइड नहीं है, पहला डॉट बॉल उनकी ओवर का, दूसरी बॉल के लिए जाते हुए और ये गेंद, और बैट्समैन ने स्ट्रेट शॉट खेला है और ये यहाँ पे 6 रन इस छक्के के साथ धैड़गांव का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन एक विकेट के नुकसान पे, काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।
स्कोर भी कोई ज्यादा नहीं है तो संयम से खेलें तो अच्छा ही रहेगा, कोई ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी काफी अग्रेसिव बैटिंग देहरगांव की तरफ से। इस ओवर की तीसरी गेंद और इस गेंद को भी उठा के खेल दिया है और एक और छक्का यहाँ पे देहरगांव के लिए और काफी अग्रेसिव बैटिंग यहाँ पे गौरव भैया की, गोलू भाई तो काफी अच्छे शॉट लगा रहे हो भैया और अच्छा खेलिए और आपके अंदर पोटेंशियल है तो आगे और स्टेट लेवल पे खेलिए, उम्मीद बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली गेंद और फिर उठा दिया उसको लेग साइड में और ये अंपायर के इशारे का तो छह रन यहाँ पे और मिलते हुए तीन छक्के लगाता तो तीन छक्के लगा के हैट्रिक बना दिया यहाँ पे, तो इनको पोलार्ड के नाम से ही जाना जाता है। तो दिख रहा है काफी पोटेंशियल है, काफी पावर हिटिंग है भैया के अंदर। तो यहाँ पे स्कोर इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ 34 रन एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद इस ओवर की और काफी इजी बॉलिंग यहाँ पे हो रही है, शॉर्ट पिच गेंदे पड़ रही हैं तो इसको इजीली खेला लेग साइड में धकेला तो इस एक रन ले लिया, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन एक विकेट के नुकसान पे। और दूसरा ओवर अभी प्रगति पे है तो एक और गेंद और ठीक है उठाना चाहते थे लेकिन बैट से कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर 35 रन एक विकेट के नुकसान पे। कप्तान मेलदार के तो ठीक है ये वाइट इशारा हो तो ठीक है वाइट गेंद, ये पहली गेंद वाइट करार दी गई तो विनोद यहाँ पे कप्तान भी है शायद जो मेलदार टीम से तो बॉलिंग करते हुए इस समय। अगली गेंद और इसको काफी अच्छा यहाँ पे पुश किया गेंद को आगे और एक रन लेते हुए धीमे धीमे कदमों से स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 37 रन एक विकेट के नुकसान पे। बाकी जो अभी गोलू भैया ने जो तीन छक्के लगातार लगाए हैं तो उसके लिए 100 रुपए की जो यहाँ पे इनाम है वो उनका हो चुका है तो जब भी होगा आपको सूचना दी जाएगी। एक बार अभी तो आप खेल रहे हैं तो ठीक है, जैसे ही आपको टाइम मिले तो इधर आके कलेक्ट कर लेना 100 रुपए। तो ये गेंद डॉट गेंद, कोई उस पर बल्ले का संपर्क हुआ नहीं तो स्कोर अभी भी 37 रन एक विकेट के नुकसान पे। 10 रन की जरूरत जीतने के लिए, 10 रन और जीतने के लिए यहाँ पे देहरगांव को जरूरत है तो उम्मीद है काफी आसानी से जीत लेंगे। फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी के साथ ये शॉट उठा के मारा है और ये ठीक है एक रन दौड़ के ले लिया। इसी के साथ स्कोर 38 रन एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद और इस गेंद को स्ट्रेट शॉट खेला है और ये 6 रन चार रन यहाँ पे और मिलते हुए देहरगांव टीम को। काफी अच्छी बैटिंग फिर से गोलू भाई की तरफ से तो 42 रन स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पे देहरगांव का, काफी आसानी से अपनी बैटिंग को आगे बढ़ाते हुए 5 रन दूर अपने इस जीत से। ये गेंद, अगली गेंद यहाँ पे और वाइड गेंद लेग साइड वाइड यहाँ पे काफी बाहर गेंद पिच हुई है तो एक और रन जुड़ता हुआ देहरगांव की टीम में। 43 रन स्कोर पहुंच चुका है इस वाइड के साथ। अगली गेंद के लिए जाते हुए बॉलर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए और इस गेंद फुल टॉस गेंद लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं जिसका मतलब एक और वाइड यहाँ पे और स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन देहरगांव का एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद यहाँ पे और इस गेंद को उठा दिया है ऑफ साइड में तो कोई रन भी नहीं लिया यहाँ पे, देख रहे हैं सिचुएशन काफी इजी हो चुकी है देहरगांव टीम के लिए। इसी के साथ ओवर खत्म हुआ, लास्ट बॉल होगी नहीं पर पहली गेंद और उसको काफी अच्छे से पुश कर दिया ऑफ साइड को, एक रन ले लिया बड़े आसानी से। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन और जीतने के लिए मात्र दो रन बाकी है देहरगांव टीम के लिए। फिर से गोलू क्रीज पे डटे हुए, काफी हेलीकॉप्टर शॉट यहाँ पे और एक रन ले लिया आसानी से तो स्कोर लेवल हो चुका है यहाँ पे। एक रन और चाहिए देहरगांव को जीतने के लिए, 2 रन चाहिए अच्छा ठीक है 2 रन और चाहिए यहाँ पे देहरगांव को, माफ करना थोड़ा
अपडेशन में दिक्कत आ रही है, मेरी तरफ से ही होगी। ओके कोई बात नहीं, नया नया कमेंटेटर, नया नया सीखता है यार कोई इंसान, तभी आगे बढ़ता है, गलतियां होती है शुरू में। ठीक है, अगली गेंद यहाँ पे, और उसको आने दिया गेंद को अपने तक और पुश कर दिया आगे को, एक और रन यहाँ पे लेते हुए 46 रन स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ दहेड़गांव का लास्ट रन है बराबर। तो स्कोर अब यहाँ पे लेवल हो चुका है, एक और रन की जरूरत है यहाँ पे दहेड़गांव को। तो देखते हैं इसको, काफी अग्रेशन के साथ खेलते हैं, छक्का मारते हैं, एक रन लेते हैं, तो कोशिश तो उठाने की थी लेकिन फिर रन नहीं लिया अभी। तो देखते हैं अभी इसको छक्के के साथ फिनिश करना चाहेंगे या चौके के साथ, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अग्रेसिव मोड में इस गेंद को खत्म किया जाए। तो अगली गेंद यहाँ पे गोलू भैया के लिए, काफी ऊंचा शॉट है, देखते हैं कैच होता है कि नहीं, और कैच पकड़ लिया यहाँ पे। तो फाइनली गोलू भैया की इनिंग की यहाँ पे खात्मा हो चुका है, तो अभी भी स्कोर लेवल पे है। 24 रन बनाकर गोलू, तो 24 रन बनाए यहाँ पे गोलू भैया ने, काफी अच्छी बैटिंग। तो एक बार चीयर्स दर्शकों की तरफ से, काफी रोमांच इस समय मैच में बना हुआ, काफी अप्रिसिएशन मिल रही है गोलू भैया को। ठीक है, 100 रुपए ले लेना भैया, आउट तो हो चुके हो आप अभी, तो 100 रुपए कलेक्ट कर लेना यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से। जगदीश देवरानी जी यहाँ पे बैटिंग करते हुए काफी अच्छा स्टैंस दिख रहा है इनका, देखते हैं शॉट किस तरह से खेलते हैं। लास्ट रन की दरकार यहाँ पे दहेड़गांव को, स्लोवर फेंकी है और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ अभी भी। तो ठीक है, ये ओवर खत्म होता हुआ, 4 ओवर पूरे हो चुके हैं मेलदार की तरफ से, और स्कोर यहाँ पे दहेड़गांव का है 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, लास्ट 1 रन चाहिए अभी जीत के लिए दहेड़गांव को। तो ये गेंद अगले ओवर की पहली गेंद, और उसको कट कर दिया लेग साइड में, इसी के साथ दहेड़गांव यहाँ पे जीत चुकी है ये वाला मैच। तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दहेड़गांव को। ओके गाइस, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो आप लोग क्लिप देख लेना जितने भी लोगों ने यहाँ इस वाले मैच के लिए सब्सक्राइब किया था, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, इसको लाइक करना वीडियो को, कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा आसपास इधर उधर लोगों को भी बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खत्म, बाय बाय।